नमस्कार दरभंगा, नमस्कार संपूर्ण बिहार। आप देख रहे हैं बदलता बिहार, परिवर्तन से प्रगति तक, और मैं आपके साथ हूं सुमित कुमार झा। बिहार सरकार ने जो कल 5 मई 2021 से लेकर के 15 मई 2021 तक कोरोना महामारी को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन का कैबिनेट से जो फैसला लिया, उस फैसले का आज दिखा असर। आज दरभंगा टावर पर, जो कि आप हमारे कैमरा में नज़ारा देख रहे होंगे, ये दरभंगा की एक हृदय स्थली भी है और व्यावसायिक मजबूत जड़ भी है, लेकिन आज दरभंगा टावर पर प्रशासन भी अपने एक्टिव मोड में लगातार दिख रहा है। एक भी दुकानें खुली हुई नहीं हैं, जो कि सरकार का आदेश था कि 11 बजे तक जो अननेसेसरी चीज़ हैं, जो लोगों की ज़रूरतों की चीज़ हैं, जैसे किराना दुकान, दूध की दुकानें, अन्य अथवा जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको लेकर के 11 बजे तक फल सब्जी सबको 11 बजे तक खोलने का परमिशन दिया गया था। उस 11 बजे के बाद प्रशासन जो एक्टिव मोड में दिखी है, वो नज़ारा आप हमारे कैमरा में देखें। बड़ा सवाल उठता है कि लॉकडाउन ये फैसला सरकार ने लिया कहीं ना कहीं कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए, लेकिन एकाएक लॉकडाउन क्या उन मिडिल क्लास फैमिलियों पर असर नहीं पड़ेगा? सरकार ने यह भी कहा कि मई का राशन उनको दे दिया जाएगा। राशन से सिर्फ घर चलेगा या उसमें तेल मसाला अन्य चीज़ें जो घरेलू उत्पाद की होती है, वो कहाँ से आएगा? सरकार ने जो ये बढ़ते कोरोना को देखते हुए फैसला लिया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी कि कोरोना महामारी में सरकार, बिहार सरकार कहाँ सोई हुई है, जो इस तरह से बिहार में कोरोना बढ़ रहा है, जो भयावह रूप ले रहा है, इसको लेकर के लॉकडाउन लगाने की मांग उठ रही थी विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी। लेकिन चूंकि सरकार ने अब फैसला ले लिया है, तो प्रशासन भी अपने एक्टिव मोड में है, और दरभंगा की प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रही है, जनताओं से अपील भी कर रही है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमें सहयोग करें। बड़ा सवाल है, घर में तो रहेंगे लेकिन खाएंगे कहाँ से, क्या खाएंगे, अपने बाल बच्चे को क्या खिलाएंगे? कोरोना महामारी है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, लेकिन आखिर प्रशासन या शासन, या मैं यूँ कहूँ शासन जो है, इस तरह से बार बार लॉकडाउन लगाने से क्या कोरोना महामारी दूर होगी? ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि कोरोना को दूर करना है तो लोगों में सजगता, सरकार को वैक्सीनेशन की सुविधाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन, सभी चीज़ लागू करनी होगी। सिर्फ ये लॉकडाउन बड़ा कोरोना महामारी को दूर करने का उपाय नहीं है। हमारे कैमरा में जो आप नज़ारा देख रहे हैं, यह नज़ारा दरभंगा टावर, मिर्ज़ापुर चौक, अन्य जगहों का है, जो 11 बजे के बाद प्रशासन किस तरह से अपने लॉकडाउन के पालन के लिए लोगों को जागरूकता और अपने कामों में लगी हुई है, ताकि इस कोरोना महामारी को मात दे सके। आइए सुनते हैं कि प्रशासन ने क्या कहा, कि उनको लोगों से कितना सहयोग मिल रहा है, उन्हें क्या कठिनाइयां हो रही है, इन सभी बातों को लेकर। पहला दिन है, आदेश जारी किया गया, लॉकडाउन में आदेश जारी हुआ है कि 11 बजे तक जो इसेंशियल सर्विस सेवाएं थी, वो सभी 11 बजे तक बंद हो जाएंगी। उसी को हम लोग बंद कराए आज। आज पहला दिन है, कोई समस्या हुई, लेकिन जनता भी अब समझ रही है, दुकानदार भी अब समझ रहे हैं कि इसको 11 बजे तक बंद कर देना चाहिए। लोग अनुपालन करेंगे और अगले दिन से कोशिश रहेगी कि ये लोग 11 बजे तक बंद कर दें। तो बिना आदेश का वाहन भी चल रहा है, उस पर क्या करेंगे? वाहन नहीं, कुछ ज़रूरी सेवाओं में जो निकले हुए हैं वो तो वापस जाएंगे ही जाएंगे, थोड़ा सा इसको कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन कल से 11 बजे अब थोड़ी देर बाद अब एक भी वाहन आपको नहीं दिखाई देगा, कोई नहीं चलेगा सड़क पर। अच्छा, पहला दिन कितना मशक्कत करना पड़ा लोगों को समझाने? खास मशक्कत नहीं, लोग अब जागरूक हो चुके हैं, थोड़ी सी कठिनाई होती है लेकिन ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, लोगों को उसी थोड़ा सा और ज़्यादा करना है।